खरगोन जिले में 30 अक्टूबर 2019 स्थानीय पुलिस लाइन मैदान पर बुधवार को राजस्व व पुलिस अधिकारियों द्वारा बलवा ड्रिल की गई। बलवा ड्रिल को दबाने के लिए वास्तविक रूप से चरणवार जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह सब किया गया। पुलिस लाइन मैदान पर बलवा ड्रिल आयोजित करने के लिए पुलिस अधिकारियों का एक दल बनाया गया जो बलवे के रूप में पुलिस व राजस्व अधिकारियों के सामने था। पुलिस व राजस्व अधिकारियों ने पहले बलवा कर रहे नागरिकों से उनकी जायज मांगों पर बात की। इसके पश्चात ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया। बात नहीं बनने पर बलवाइयों ने नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू किया। बलवाइयों को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा आंसू गैस छोड़कर उन्हें तितर बितर करने के प्रयास किए गए। थोड़ी देर बाद पुनः बलवाई भीड़ के रूप में एकत्रित हुए और पुनः पथराव शुरू कर दिया। अधिकारियों द्वारा रोकने के लिए कारगर फायर किया गया। इसके बाद बलवाइयों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी वास्तविक प्रयोग के लिए आयोजित हुई ड्रिल में अपर कलेक्टर ML कनेल, ASP शशिकांत कनकने, समस्त SDM, SDOP तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित नायब तहसीलदार शामिल रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयोग के तौर पर की गई इस बलवा ड्रिल की पूरी प्रक्रिया व मामले की भिकनगांव SDOP राजा राव आवासिया ने कलेक्टर व SP को रिपोर्ट प्रस्तुत की। SDOP आवासिया ने पुलिस की ओर से तथा मंडलेश्वर SDM आनंद राजावत ने मजिस्ट्रेट के रूप में भाग लिया। SDOP आवासिया ने पूरा घटनाक्रम होने के पश्चात पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। होती है आगामी परिस्थितियों को देखते हुए संभावित लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए एक तरीके से ये पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों मिल के अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो कैसे एक्शन लेंगे उसके लिए हम लोगों ने यहाँ ड्रिल आयोजित किया। और इसकी सबसे बड़ी जो हम लोगों के लिए महत्व है वो ये है कि ये लोग आज से इस तैयारी में जुट जाएंगे, ये इसके प्रति कंसर्न हो गए और ये मेंटली इसके लिए तैयार हो गए कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। टीयर गैस सर छोड़ी थी उसमें कलेक्टर साहब और आप भी सर यहाँ पर पहुँचे थे तो ये आपके तक टीयर गैस ये इसका पार्ट है और इसलिए हम और कलेक्टर साहब बीच में ही खड़े थे क्योंकि कोई लैंड ऑर्डर होगा तो हमें ये झेलना पड़ेगा तो हमें भी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए पूरी फोर्स हमारे पूरे मजिस्ट्रेट सब लोग यहाँ पे मौजूद थे और इससे सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, इन्हीं परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है और इनसे बचना पड़ता है तो हम वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, यही हमारा अभ्यास होता है। जो आप भी पहुँचे थे किस प्रकार के सर ये रिहर्सल की? एक्चुअली हमारे पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की कम्बाइंड आज बैठक रखी गई थी जिसमें हमारे प्रिवेंटिव सेक्शंस और अन्य चीज़ों पर चर्चा की गई। उनमें अगले 2 महीने में आने वाले त्योहारों के बारे में डिस्कशन हुआ कि उस पर कैसे हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। उसी के साथ ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आने वाला है उसको देखते हुए हमने अभी राइट ड्रिल भी की है और सबको निर्देश दिया है कि सभी थाना लेवल पर और SDOP लेवल पर राइट ड्रिल्स करें और इक्विप्ड रहे, हर तरीके से हथियार से, हर तरीके से सामग्री से, साजो सामग्री से इक्विप्ड रहे और हम किसी भी स्थिति का सामना कर सके ऐसी स्थिति में रहे। शांति पूरी तरह बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी जो बनाए रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे